कोरोना वायरस से बचाव के लिए नगर परिषद हमीरपुर ने अपने सफाई कर्मियों के लिए सेफ्टी किट उपलब्ध करवाई है। हालांकि इससे पहले सफाई कर्मचारी बिना मास्क, ग्लव्स और गाउन के ही काम कर रहे थे, लेकिन अब सभी सफाई कर्मचारी को विशेष किट दी गई है, जिसे पहनकर ही सफाई कर्मचारी सैनिटाइजेशन के अलावा सफाई व्यवस्था को अंजाम देंगे। वहीं सफाई कर्मचारी के द्वारा भी गाउन, ग्लव्स और मास्क मिलने पर खुशी जाहिर की है। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि मास्क, ग्लव्स और गाउन मिलने पर अब उन्हें भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक सुरक्षा कवच मिल गया है। उन्होंने ये सामान उपलब्ध करवाने के लिए सरकार का आभार भी जताया है। इसमें ये फायदा नहीं, ये जरा जो हम स्प्रे करते हैं ना, उससे बचे रहते हैं ना, बाकी स्प्रे कर रहे हैं सभी जगह। अच्छा, ये गाउन हमारे लाइफ दिया गवर्नमेंट ने हमारे फायदे के लिए। हम अभी काम करते हैं, जो भी स्प्रे वगैरह अपना खोल देते इसको, फिर अपने सिंपल कपड़ों में घर जाते, फिर काम के लिए फिर इसको डाल लेते। स्थानीय निवासी सुरेश ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के लिए मास्क, ग्लव्स और गाउन दिए जाने से सफाई कर्मचारियों को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि सफाई कर्मचारी सबसे ज्यादा शहर में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के द्वारा कोरोना संक्रमण ना फैलने के लिए ये एक अच्छा कदम उठाया है। हमीरपुर शहर में आज एक बहुत ही अच्छा देखने को मिला है कि हमारे जो नगर परिषद के सफाई कर्मचारी हैं, उनको गाउन तथा मतलब हैंड ग्लव्स उनको दिए गए हैं और मास्क प्रोवाइड करवाए गए हैं। उससे एक बहुत अच्छी सोच नगर परिषद की बोल सकते हैं, और अपने हमीरपुर के लिए एक बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, जिससे कि संक्रमण ना फैले उसके लिए एक बहुत उचित कदम इन्होंने उठाया है। और अपने इन्होंने व्यवस्था इस तरीके से कर रखी है कि जिससे कि हमारे डोर टू डोर जो कूड़ा एकत्रित कर रहे हैं वो भी, और शहर में सैनिटाइज जो कर रहे हैं वो भी, ये प्रॉपरली इन्होंने अपना एक रूटीन जो बना रखी है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। और एक अच्छी सोच इनकी हम कह सकते हैं कि हमीरपुर वासियों के लिए नगर परिषद ने जो है प्लान की है, जिसके अनुसार जो है ये प्रॉपरली अपना काम जो है कर रहे हैं। ईओ हमीरपुर के एल ठाकुर ने बताया कि सफाई कर्मियों को मास्क, ग्लव्स और गाउन दिया गया है, जिसे पहनकर ही शहर में सफाई व्यवस्था और सैनिटाइजेशन का काम अब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी से बचने के लिए शहर में सफाई व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सफाई कर्मचारियों को सेफ्टी कवराल दिए हैं, ये सेफ्टी के जो हमने इनको ड्रेस दिए हैं, ये शहर में जो सैनिटाइजेशन हम करवा रहे हैं उसको मध्यस्थ रखते हुए इन सभी सफाई वर्करों को हमने आज ये जारी किए हैं। और इसके अतिरिक्त इनको हमने मास्क दिए और दस्ताने दिए। हमें अभी एक दिन पहले हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक सदस्य है अंजू शर्मा, जो कि हमारे वार्ड नंबर 10 की निवासी है, इसने अपने स्तर पर वो मास्क बनाए और नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को बांटे। तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसमें हम अपने जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको तकरीबन सभी सेफ्टी के जो इक्विपमेंट है वो हमने सभी दे रखा है, तथा सभी जगह हम शहर में सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं, डोर टू डोर गार्बेज की कलेक्शन कर रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं। अभी तक हमारे पास किसी भी क्षेत्र की सफाई के बारे में कोई भी शिकायत नहीं है।